सरकार जी, सरकार जी, बहुत बुरी लग रही है उन्हें। जनाना होते देती है तो थोड़ी बहुत फैसिलिटी है, पर ऐसा मरदा रहा ना क्या यार, ऐसा इससे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। ये तो से हिसाब होगा ना, भाई गाय जो दो फीड रहा था सलाह बढ़ दो सट्टो टांडे रहा पा रहा है, मरदारी कोई वैल्यू नहीं आई महाराज है, मर्दों जो कोई फैसिलिटी आई नहीं, मतलब आ क्या बोर्ड ही पाने रहे, मतलब आ बोर्ड ही पाने, सुविधा कोई नहीं और नहीं हमारा, महीने रे 4 पौए फ्री कर दो मर्दा जो, थोड़ा जा एड़ा बेचारे अपने टेंशन आने मारे सौंगे तो आएगे थी, मर्दों कुछ भी नहीं है, ये तो कहीं नहीं आई हमारा, बच्चों की मर्दा है बारे में। राजू ले गा माखे हर द्वारो खे, नहीं तो मेरे लाड़े तो लकड़ू ही पांदो खने, ये देख मेरा आइडेंटिटी कार्ड, उम्र सारी साथ रख में, ये देख मेरा आइडेंटिटी कार्ड, राजुआ की राजुआ राजुआ ले चल लाड़ा नी पूछदा बेटा नी पूछदा, लाड़ा नी पूछदा बेटा नी पूछदा, पूछदा है राजू हर बार, राजुआ ले वृंदावन में चंडी में राजू राजू अरकी में राजू राजू मार्लीवेड में राजू राजू मार्लीवेड में राजू 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 मेरा दिल बोले राजू 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 वृंदावन में राजू राजू वर्धा में राजू राजू अरकी में राजू राजू चंडी में राजू 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 वो बो कह रहा ची एक करोड़ों का कैमरा यही है वो थी राजू 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 पट 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 राजू राजू पट 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 राजू 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 हेलो जी, राधे कृष्णा, जय माता दी, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे हों और अपने अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित हों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। तो अभी सुबह के बजे हैं 9 और घर का काम करके अब जा रहे हैं हम मतदान करने। तो आपको भी बताएंगे कि हमने किसको दिया मतदान। बोलती हैं कि मतदान मतदान ऐसा होता है जिसको किसी के पास नहीं बताते और बाद में ही पता चलता है जब क्या बोलते हार जीत होती है। तो मतदान तो अपनी मर्जी का होता है, जिसको भी हम देना चाहे उसको दे सकते हैं। तो आज हमारी शिमला वाली बस यहीं पे आएगी और यहाँ से सवारियाँ लेके जाएगी। ऐसे वो 7:30 बजे आ जाती थी, आज वो 9 बजे आएगी, 9:30 बजे आएगी। तो मैं जा रही हूँ अपने लिंक रोड के पास और बस की डर के कि ऐसा ना हो कहीं बस चले जाए। तो मैं जाते जाते ही अपनी कोटी पहन रही थी, तो अब मिलते हैं आपके साथ आगे ही। तो रिन तो रोटी बनाया करी कर लाएगा बोलो, क्या
दस बजने वाले तो ये आ चुकी है हमारी बस और हम यहाँ से बैठेंगे बस में और डैम के पास उतरेंगे। तो हम पहुँच बैठ चुके हैं बस में और आज मैं आपको अपने पहाड़ों का व्यू भी दिखाती हूँ। और मेरी बस में तबीयत ख़राब हो जाती है, इतने से सफ़र में भी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है और सिर में भी दर्द लगती है। और ये देखिए हमारे पहाड़। उतर गए यहाँ पर डैम के पास और बस जाएगी शिमला के लिए और हम जाएंगे यहाँ से कनागू घाट के लिए पैदल। तो ये हमारे साथ गांव के और लोग भी थे और फिर हमारे को मिल गई गाड़ी। थोड़ी सी आगे आए हम और फिर मिल गई हमारे को गाड़ी। तो हम उतर चुके हैं यहाँ पे, आ गए हैं मतदान करने। तो मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाई, उसके बाद हम आ गए थे यहाँ पे मेरे दादा ससुर जी के, यहाँ पे दर्द होती है टांगों में। तो ये देखिए कैसे करते हैं इलाज और उसके बाद इनको आराम मिला। तो ये है देसी इलाज टांगों की दर्द का, पुराने टाइम में ऐसे ही करते थे। और ये मामा जी, इन्होंने ये स्पेशल रखा है इलाज करने के लिए, रस्सी भी और ये साथ में डंडा जैसा भी। तो यहाँ पे ये कर रहे हैं मेरे दास ससुर जी का इलाज और इनके टांगों में बहुत ज्यादा दर्द होती है। तो ताए ससुर जी रो पड़े इलाज कराते कराते क्योंकि इनको बहुत ज्यादा दर्द लगा। फिर चिल्ली का ये देखिए कितनी दर्द हो रही है इनको। तो ये अपनी भाषा में बात कर रहे हैं मामा जी पिताजी के साथ। हम अपने ताए ससुर जी को बड़े पिताजी बोलते हैं। देते चल जाए भाई, रोटी लग रही है भाई। तो इलाज इन्होंने करवा लिया और ये है यहाँ पे शिव शंकर भोलेनाथ जी का मंदिर। तो मैंने थोड़ी थोड़ी सी क्लिप ऐड करी और उसके बाद हम चल पड़े थे घर के लिए पैदल। इनके भी पेट में दर्द थी।
तो अब हम चल पड़े पैदल और ये है हमारी यहाँ पे पंचायत। तो यहाँ का व्यू मैंने आपके साथ कई बार शेयर करा है। तो हम पहुँच चुके हैं घर में और रास्ते में आते आते मैंने वीडियो नहीं बनाई। तो हम सभी